जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं शू मार्केट पे, और शू मार्केट पे मिस्टर शेजी के नाम से यहां गुजशत कई सालों से ये यहां पर जो रेस्टोरेंट कायम दायम है, और इसी हवाले से मुख्तलिफ अकसाम की चीज़ें यहां पर मुतारफ करा चुके हैं मिस्टर शहजाद, मिस्टर शेजी के नाम से। आज गवर्नर सिंध जो कि पूरे कराची में एक दिन में दो दो और तीन तीन सहरी कर रहे थे, तो आज इनकी तीसरी सहरी यहाँ पर हुई है। इसी हवाले से गवर्नर सिंध का यहाँ पे इन्होंने तीसरी सहरी की, इसी हवाले से आई चलते हैं गवर्नर सिंध और दीगर जो रफाकार हैं उनसे बात करते हैं। आइए। एरिया के अंदर शेजी एक बड़ा नाम है, और शेजी के खानों का टेस्ट तो खुद गवर्नर साहब ने भी इसकी तायीद की है कि उनको किस तरह के खाने यहाँ पर लगे और पसंद आए, और कितने पसंद आए, क्या क्या चीज़ें पसंद आई उन्होंने खुद बताया। तो शेजी का जो सेटअप है शहजाद भाई का और इनके जो भाई हैं सारे, वो बहुत ज़बरदस्त सेटअप है उनका यहाँ पे, और खानों का मेयार इंतहाई आला है। किचन भी इनका बहुत उम्दा है माशाल्लाह से, ओपन किचन है इनका बात ये। और एक आप तो आए हैं चूँकि गवर्नर साहब की वजह से, लेकिन कभी आप बगैर गवर्नर के भी यहाँ पर आइए तो आपको ये क्राउड इसी तरह मिलेगा। बहुत अच्छे हैं कामरान टसर सोरी साहब, और ये बहुत अच्छा इन्होंने एक सिलसिला निकाला है कि पब्लिक ही लोगों से जाके मिल रहे हैं, एक इससे बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट होगा। और मैं बताते खुद अब्दुल्ला नियाजी कवाल इस इलाके में रहता हूँ, मुझे स्पेशल उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, हालांकि मैं इस वक्त चल नहीं सक रहा हूँ, मेरी फिजियोथेरापी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी साहब से मिलने, खुसूसन शाहबाज जहीर साहब से मिलने के लिए आया। और यहाँ इस इलाके में पानी की और इसकी बहुत परेशानी, हम चाहते हैं कि इस पानी और बिजली की प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व किया जाए। इतने अच्छे तरीके से ये लोगों को डील कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि गवर्नर सर आप आए, और ऐसे ही होता रहेगा तो माशाल्लाह माहौल भी मुल्क का अच्छा हो जाएगा। जूदों और यहाँ का खाना बहुत ही मज़े का होता है, और ये बहुत मशहूर होटल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने खाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं बोतल वगैरह। देखिए इस वक्त तो कराची की रौनक बहाल करने के लिए पैगाम लोगों के लिए नहीं है, हुकूमती लोगों के लिए है। मैं हुकुमरान के लिए जो है वो आपके चैनल के तवसुस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, ग्राउंड रियलिटी पे लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि लोगों के बीच में आए, लोगों की परेशानियों को देखें, और खुदारा इस महंगाई पे जो है वो कंट्रोल करें। सेहत को बचाना है तो MQM को देना पड़ेगा। MQM वही जमात है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जॉब एजुकेशन हर लिहाज से MQM कर सकती, क्योंकि MQM मतवस्सी तबके की जमात है और अपने इलाकों में ही रहने वाली जमात है। माजी भी इसके सामने है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं MQM के खिलाफ बातें करते हैं, बातें करना बहुत आसान है, आए हमसे सामने बैठ के TV में बात करें। इधर बहुत खुशी की बात है कि गवर्नर हमारे इलाके में आ रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हमने अक्सर इसको YouTube वगैरह में मोबाइल TV वगैरह पे देखते हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है अब वो जो छोटे बच्चों से भी मिल रहे हैं, ख़वातीनों से भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और मर्दों वगैरह से भी खुश तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हर जगह जगह जा रहे हैं। वैसे ऐसा गवर्नर कहीं देखा नहीं है कि जो बाहर निकले और जा रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मिस्टर शेजी होटल पे इतने मशहूर आइटम आए हुए हैं ना, यहाँ के खाने बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, सोडा वगैरह टिक्का उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।